जिस देश में सिर्फ रेगिस्तान और रेत के पहाड़ हों और जिसके पास खुद का पीने का पानी भी ना हो, वो दुनिया में इतनी तरक्की करेगा ये किसी ने भी नहीं सोचा था। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में मौजूद एक ऐसे शहर की जहाँ आज से 30 साल पहले सिर्फ रेत ही रेत थी, जिसको आज पूरी दुनिया दुबई के नाम से जानती है। जेम टीवी की वीडियोस में एक बार फिर से खुशामदीद। जिस रेगिस्तान में लोग आना भी पसंद नहीं करते थे, वहाँ अब पूरी दुनिया का आना जाना लगा रहता है। इस रेल पेल के पीछे ऐसे दिमाग हैं जिन्होंने रेगिस्तान को भी ऐसा मॉडर्न सिटी बना दिया है जहाँ अब हर किस्म का ऐशो आराम मिल सकता है। इसकी दुबई से लेकर बुर्जल अरब तक और डांसिंग फाउंटेन से लेकर अंडर वाटर एक्वेरियम तक, दुबई में ऐसे बेशुमार प्रोजेक्ट्स मौजूद हैं जो शायद आपने पहले कभी ना देखे हों। लेकिन दुबई के चंद ऐसे फ्यूचर प्रोजेक्ट्स भी हैं जो लॉन्च तो चंद सालों के बाद होंगे, लेकिन उन प्रोजेक्ट्स की वजह से दुबई की शोहरत और कामयाबी नेक्स्ट लेवल पर जा पहुंचेगी। आइए जानते हैं दुबई के उन फ्यूचर प्रोजेक्ट्स के बारे में जिनकी लॉन्च से दुबई की चमक दमक मजीद बढ़ जाएगी। नंबर 1, दुबई क्रीक टावर। दुबई की कामयाबी शुरू हुई थी 2010 में, जब दुबई ने दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग बुर्ज खलीफा को लॉन्च किया था। 2716 फीट ऊंची, बादलों को फाड़ कर निकलने वाली इस बिल्डिंग में हैरतअंगेज तौर पे 163 स्टोरीज बनाई गई थी। लेकिन बुर्ज खलीफा ने सिर्फ अपनी हाइट की वजह से ही दुनिया भर से लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं किया, बल्कि बुर्ज खलीफा के पास चंद और वर्ल्ड रिकॉर्ड्स भी मौजूद हैं, जिसमें दुनिया का सबसे ऊंचा ऑब्जर्वेशन डेक, दुनिया का सबसे ऊंचा रेस्टोरेंट और दुनिया की सबसे तेज चलने वाली लिफ्ट्स भी शामिल हैं। लेकिन ये हम सबको मालूम है कि दुबई का ये फेम हमेशा के लिए नहीं है। जी हाँ, जो वर्ल्ड रिकॉर्ड पहले से मौजूद थे उनको तोड़कर दुबई ने अपने नए वर्ल्ड रिकॉर्ड्स तो बनाए हैं, लेकिन जाहिर है उनको भी एक ना एक दिन जरूर कोई तोड़ेगा। बुर्ज खलीफा का रिकॉर्ड तोड़ने के लिए सऊदी अरब के शहर जद्दा में जद्दा टावर की कंस्ट्रक्शन भी चल रही है, जो अभी तक की इंफॉर्मेशन के हिसाब से 3280 फीट ऊंची बिल्डिंग होगी, यानी बुर्ज खलीफा से भी 564 फीट ऊंची। जद्दा टावर ना सिर्फ बुर्ज खलीफा की ऊंचाई का रिकॉर्ड तोड़ेगा, बल्कि बुर्ज खलीफा के बनाए गए दूसरे भी कई रिकॉर्ड तोड़ने का मंसूबा सऊदी बिल्डर्स बना चुके हैं, जैसा कि दुनिया का सबसे ऊंचा ऑब्जर्वेशन डेक और हेलीपैड भी जद्दा टावर में मौजूद होगा। साथ साथ बुर्ज खलीफा में टोटल 57 एलिवेटर्स हैं, जबकि ये रिकॉर्ड तोड़ने के लिए जद्दा टावर में 59 एलिवेटर्स बनाने का प्लान किया गया है। अगर ये मंसूबा कामयाब हो गया तो दुबई के फेम को जद्दा टावर की वजह से खासा नुकसान पहुंचेगा, और जाहिर है जब फेम को नुकसान पहुंचेगा तो दुबई के बिजनेस और टूरिज्म पे भी काफी इफेक्ट पड़ेगा। इस चीज से बचने के लिए जद्दा टावर के टक्कर में दुबई भी मैदान में उतर चुका है। जी हाँ, जहाँ जद्दा में जद्दा टावर की कंस्ट्रक्शन चल रही है, वहीं दुबई में भी एक और बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन जोरों शोरों से चल रही है, जिसको दुबई क्रीक टावर का नाम दिया गया है। दुबई क्रीक टावर के बिल्डर MR प्रॉपर्टीज ने अभी तक इसकी टोटल हाइट डिस्क्लोज नहीं की, लेकिन इनका प्लान यही है कि इनको दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग दुबई में ही रखनी है। अगर जद्दा टावर की हाइट वाकई में 3280 फीट रखी गई, तो दुबई क्रीक टावर की हाइट को बढ़ाकर इतना कर दिया जाएगा कि वो जद्दा टावर से ऊंची हो जाए। दुबई क्रीक टावर की कंस्ट्रक्शन पर होने वाले खर्चे का एस्टीमेट $1 बिलियन बताया जा रहा है, जो 75 अरब रुपए बनते हैं। फिल वक्त जद्दा टावर के बिल्डर्स ने टावर की कंस्ट्रक्शन रोकी हुई है, क्योंकि जिन सऊदी प्रिंसेस ने जद्दा टावर में इन्वेस्टमेंट कर रखी थी उनको सऊदी गवर्नमेंट ने करप्शन केसेस की वजह से अरेस्ट किया हुआ है। अब क्योंकि जद्दा टावर का काम भी रुका हुआ है, तो MR प्रॉपर्टीज ने भी दुबई क्रीक टावर का काम रोका हुआ है। लेकिन ये बात तो कन्फर्म है कि आने वाले 1-2 सालों में बुर्ज खलीफा नहीं, बल्कि दुबई क्रीक टावर दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग होगी। नंबर 2, डायनेमिक टावर। आखिरकार लोग ऊंची बिल्डिंग से एक ना एक दिन तो जरूर बोर हो जाएंगे। इसके लिए दुबई ने ऐसे मेगा प्रोजेक्ट्स भी स्टार्ट कर दिए हैं जो आने वाले सालों में दुबई के बिजनेस को मजीद बूम कर देंगे, और इन प्रोजेक्ट्स में से एक प्रोजेक्ट है डायनेमिक टावर। बेशक ये टावर हाइट में बुर्ज खलीफा से काफी कम होगा, लेकिन इसमें एक ऐसी चीज भी है जो दुनिया में किसी भी टावर में मौजूद नहीं। जी हाँ, इस टावर में टोटल 80 फ्लोर्स रखे गए हैं, लेकिन ये 80 फ्लोर्स कोई आम फ्लोर्स नहीं, बल्कि ये हर वक्त गोल घूमते रहेंगे, जो दूर से देखने पर लोगों को वाकई एक अनदेखा मंजर पेश करेंगे। डायनेमिक टावर में रहने वाले लोग अपने फ्लोर्स की रोटेशन स्पीड भी कंट्रोल कर सकेंगे। सनसेट
सनसेट देखने का मूड हो या सी व्यू देखने का, फ्लोर्स को रोटेट करके अपनी मर्जी के नज़ारे आराम से देखे जा सकेंगे। जो टेक्नोलॉजी इस डायनेमिक टावर में इस्तेमाल होगी वो वाकई बहुत ही अनोखी है। हैरत की बात यह है कि इस टावर के हर फ्लोर की कंस्ट्रक्शन साइट पर नहीं बल्कि फैक्ट्री में अलग से की जाएगी और बाद में ये फ्लोर्स ट्रांसपोर्ट करके साइट पर पहुंचाए जाएंगे और एक के ऊपर दूसरा फ्लोर रखकर बिल्डिंग को कम्प्लीट किया जाएगा। बिल्डर्स का मानना है कि इस तरीके से इसमें लगने वाला खर्चा 30% कम होगा, लेकिन फिर भी इस प्रोजेक्ट में टोटल $1.2 बिलियन से भी ज्यादा खर्चा होगा, जो तकरीबन 90 अरब रुपए बनते हैं। नंबर 3, म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर। दुबई में बनाया जाने वाला ये म्यूजियम नेक्स्ट जनरेशन टेक्नोलॉजी की एक शानदार एग्जाम्पल होगा। इस म्यूजियम में पुराने जमाने की चीजें नहीं बल्कि आने वाले वक्त की टेक्नोलॉजी देखने को मिलेगी, जिनको देखकर इंसानी दिमाग दंग रह जाएगा। जी हाँ, म्यूजियम के अंदर इंसानी दिमाग के कारनामे और टेक्नोलॉजी से भरपूर चीजें बनाई जाएंगी। म्यूजियम के अंदर रोबोट्स वहाँ आने वाले इंसानों का भरपूर इस्तकबाल करेंगे। इसके अलावा रोबोट्स अपनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से ऐसे कारनामे करके दिखाएंगे जो शायद कभी इंसान भी नहीं कर सकता। साथ साथ रोबोटिक कार्स, मोटरसाइकिल और रोबोटिक ड्रोन्स की नेक्स्ट जनरेशन इस म्यूजियम में शोकेस की जाएगी। ये म्यूजियम दुबई में शेख जायद रोड पर बनाया जा रहा है, जिस पर लगने वाला खर्चा अभी तक 1,000 करोड़ रुपए बताया जा रहा है। नंबर 4, हाइपरलूप एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो इंतहाई कम वक्त में इंसान को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा सकती है और वो भी बहुत कम खर्च में। हाइपरलूप एक बहुत बड़ा ट्यूब टनल है जिसमें छोटी छोटी कैप्सूल्स में इंसान बैठकर एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल कर सकते हैं। ये पूरी टेक्नोलॉजी इलेक्ट्रिक बेस्ड है, यानी इसमें किसी किस्म का भी फ्यूल इस्तेमाल नहीं होता। हाइपरलूप में चलने वाली कैप्सूल्स 1,123 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रेवल कर सकेंगी। ये स्पीड कई हवाई जहाज की स्पीड से भी ज्यादा है, जबकि इनके चलने से अंदर बैठे लोगों को किसी किस्म का भी शोर सुनाई नहीं देगा। इन कैप्सूल्स में विंडोज तो नहीं है, लेकिन इनमें हर पैसेंजर्स के लिए एंटरटेनमेंट स्क्रीन जरूर मौजूद होगी। फिल वक्त ये हाइपरलूप दुबई से अबू धाबी के लिए लॉन्च किया जाएगा, जो इस 1 घंटे के सफर को हैरतअंगेज तौर पे सिर्फ 12 मिनटों में ही पार कर लेगा। दुबई में इस हाइपर लूप का स्टेशन बुर्ज खलीफा के करीब, जबकि अबू धाबी में इत्तेहाद टावर्स के आसपास बनाया जाएगा। नवंबर 2020 में हाइपर लूप का सक्सेसफुल टेस्ट रन भी किया जा चुका है। हैरतअंगेज तौर पे हाइपर लूप को बनाने में हर किलोमीटर पर 225 करोड़ रुपयों का खर्चा आएगा, यानी सिर्फ दुबई से अबू धाबी के लूप पर 312 अरब रुपयों का खर्चा आने वाला है। बात अभी यहां खत्म नहीं हुई। ये तो हो गया हाइपर लूप जो दुबई और अबू धाबी को जमीन से ही कनेक्ट करेगा, लेकिन दुबई से इंडिया तक हाइपर लूप के बारे में आपका क्या ख्याल है? जी हाँ, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और इंडिया के दरमियान होने वाली एक मीटिंग में ये प्रोजेक्ट डिस्कस हुआ था, जिसको दुबई के फ्यूचर प्रोजेक्ट्स की लिस्ट में शामिल कर लिया गया है। दुबई और इंडिया के शहर मुंबई के दरमियान समंदर के जरिए ये टनल बनाया जाएगा, जिसमें हाई स्पीड ट्रेन चलेगी और सिर्फ 2 ही घंटे में ये सफर पार किया जा सकेगा। ये अंडर वाटर टनल समंदर के बॉटम पर नहीं बल्कि समंदर की सतह पर ही तैरता रहेगा और ट्रेन के अंदर मौजूद लोग सफर के साथ साथ समंदरी दुनिया भी देख सकेंगे। 2000 किलोमीटर की इस दूरी को पार करने के लिए ये ट्रेन 1100 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चलेगी और इस अंडर वाटर ट्रेन टनल के जरिए दोनों मुल्कों के दरमियान इंसान तो सफर करेंगे ही, लेकिन साथ साथ ऑयल भी इंतहाई कम कीमत पर ट्रांसपोर्ट किया जा सकेगा। नंबर 5, अलादीन सिटी। दुबई क्रीक पर 4000 एकड़ पर बनने वाली ये है दुबई अलादीन सिटी। ये प्रोजेक्ट अलादीन और सिंधबाद की स्टोरी से इम्प्रेस होकर बनाया जा रहा है, जिसमें तमाम बिल्डिंग्स की शक्ल अलादीन के चिराग जैसी है। हर बिल्डिंग एक दूसरे से एयर कंडीशन टनल के जरिए आपस में जुड़ी होंगी। अलादीन सिटी में होटल्स, ऑफिस, शॉप्स, फ्लैट्स तो होंगे ही और साथ साथ 900 गाड़ियों की पार्किंग स्पेस भी होगी। ये प्रोजेक्ट दुबई की गवर्नमेंट की तरफ से बनाया जा रहा है, जिस पर तकरीबन 1,125 अरब रुपयों का खर्चा होगा। नंबर 6, जुमेरा बे आइलैंड्स। दुबई का नाम सुनते ही सबसे पहले हमारे दिमाग में आते हैं मैन मेड आइलैंड्स, जिसकी एक जीती जागती एग्जाम्पल दुबई में पाम जुमेरा के नाम से मौजूद है। ये पाम जुमेरा खजूर के दरख्त जैसा आइलैंड समंदर में बनाया गया था, जहां पर रिहायश 2007 में ही स्टार्ट हो चुकी थी। ये पाम जुमेरा समंदर में पत्थर और रेत डालकर इंतहाई महारत से बनाया गया, लेकिन इतने बड़े आइलैंड पर पत्थर और रेत डालने की ट्रांसपोर्टिंग कॉस्ट इतनी कम नहीं थी। पाम जुमेरा को बनाने में तकरीबन 900 अरब रुपयों का खर्चा आया था और इस खर्चे में 112 अरब रुपयों का अटलांटिस होटल शामिल
नहीं है, जिसमें वाटर पार्क्स और अंडर वाटर एक्वेरियम भी मौजूद है। पाम जुमेरा इतना बड़ा है कि इसको स्पेस से भी देखा जा सकता है। पाम जुमेरा की कामयाबी के बाद दुबई की गवर्नमेंट एक और मैन मेड आइलैंड बना रही है, जिसको जुमेरा बे आइलैंड का नाम दिया गया है। इस आइलैंड की शक्ल एक सी हॉर्स से मिलती जुलती है। जुमेरा बे आइलैंड का काफी तर हिस्सा कम्प्लीट कर लिया गया है, जिसमें यॉट क्लब, अपार्टमेंट्स और एक 5-स्टार लग्जरी बुल्गारी होटल भी मौजूद है। नंबर 7, दुनिया का सबसे ऊंचा फेरिस व्हील जो अभी अमेरिका के शहर लास वेगास में मौजूद है, उसका रिकॉर्ड भी बहुत जल्द दुबई तोड़ने वाला है। जी हाँ, दुबई मरीना पर दुनिया का सबसे ऊंचा फेरिस व्हील बनाया जा रहा है, जिसकी हाइट 210 मीटर बताई जा रही है। इस व्हील में टोटल 45 कैप्सूल्स हैं, जिन पर एक ही वक्त में 1400 लोग दुबई मरीना के शानदार नजारे देख सकेंगे। ये फेरिस व्हील पूरी तरह से तैयार है, सिर्फ इसकी लॉन्च कोविड-19 की वजह से डिले हो गई थी। इस व्हील को बनाने में 2000 करोड़ रुपयों से भी ज्यादा का खर्चा आया था, जो 2021 में किसी भी वक्त लॉन्च हो सकता है। उम्मीद है ये वीडियो भी आप भरपूर लाइक और शेयर करेंगे। आप लोगों के प्यार भरे कमेंट्स और लाइक्स का बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में।